Hello dear students, today we will continue our topic reactions of haloalkanes करनी थी हमें chemical reactions. First topic इसमें रहेगा हमारा reactions of haloalkanes. बाद में करेंगे हम haloarenes की, पहले किसकी करेंगे haloalkanes की. इसके भी सब पार्ट्स हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन. एंड थर्ड वन इज रिएक्शन विद मैटर. क्लियर है बेटा आपको? थ्री करनी है हमें haloalkanes में. न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है या लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फिलिक लविंग. सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक को हटा के दूसरा लगना, डिस्प्लेसमेंट की तरह करते हैं. एलिमिनेशन सिर्फ हटाना है. रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे उसमें. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ए पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जब कोई न्यूक्लियोफाइल, व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन haloalkane, haloalkane पे किसकी रिएक्शन थी हमारी? haloalkane. haloalkane ले लिया हमने, इसके ऊपर अटैक करता है कोई न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल दैट हैव नेगेटिवली चार्ज और अब लॉन पेयर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल अटैक ऑन अ कार्बन हैविंग हैलोजन एटम. देन देयर इज न्यूक्लियोफाइल विल अटैच टू द कार्बन एंड हैलाइड आयन विल बी रिमूव्ड. हैलाइड आयन निकल जाएगा, ये भी नेगेटिवली है. एक और नेगेटिवली आ गया, जो पहले नेगेटिवली था उसको हटा के दूसरा नेगेटिवली आ गया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन. ठीक है बेटा, अब हमने इसके अंदर पढ़ना है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, द न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू बाइंडिंग सेंटर्स. दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गए उसके पास. द न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. सो इट्स नेम इज एम्बिडेंट. दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं. एग्जाम्पल देखो इसमें, साइनाइड. देखिए इसमें क्या है, साइनाइड दैट मीन्स इट कैन मेक लिंकेज थ्रू कार्बन और नाइट्रोजन. इफ इट विल लिंक थ्रू कार्बन देन इट्स नेम इज साइनाइड, एंड इफ इट इज लिंक थ्रू नाइट्रोजन देन इट इज आइसोसाइनाइड. क्लियर है बेटा ये? नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल एस सी एन, थायोसाइनाइड. इफ इट विल लिंक थ्रू एस देन इट इज थायोसाइनाइड, एंड इफ इट विल लिंक थ्रू नाइट्रोजन देन इट इज आइसोथायोसाइनाइड. कार्बन से साइनाइड, नाइट्रोजन से आइसोसाइनाइड. इन एस सी एन थायोसाइनाइड, फ्रॉम एन सी एस दैट इज आइसोथायोसाइनाइड. थर्ड वन एग्जाम्पल इज नाइट्रो. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रो. इफ इट विल लिंक थ्रू नाइट्रोजन देन इट इज नाइट्रो. If it will link through oxygen, then it is nitrito. Clear है बेटा? तब इसका name क्या होगा? Nitrito. चलिए
वो गए आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, उसमें सोल्ड एग्जाम्पल है, विद हेलो एल्केन दैट इज आर एक्स रिएक्ट विद के सी एन देन साइनाइड्स आर द मेन प्रोडक्ट। साइनाइड्स क्या बन रहे हैं उसके अंदर, मेन प्रोडक्ट। बट when hello alkane react with AgCN then isocyanides are the main product, why? Here is cyanide are the main product but here is isocyanides are the main product, both are same, hello alkane, hello alkane. There is difference in these two, KCN is ionic in nature. कैसा नेचर है, आयनिक इन नेचर, इट विल गिव पोटेशियम आयन एंड साइनाइड आयन, इन दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, बट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, सो दे विल फॉर्म आइसो साइनाइड्स एज द मेन प्रोडक्ट, क्लियर। बट AgCN is covalent in nature. कैसा नेचर है बेटा इसका, covalent. Only nitrogen is available for bonding. So isocyanides are the main product. समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन। अब न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे थे उसके में हम करेंगे मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म होंगे। मैकेनिज्म देखिए, दो है हमारे पास SN2 एंड SN1, आज हम करेंगे SN2. SN2 फुल फॉर्म, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N4 न्यूक्लियोफिलिक, ध्यान से करना बेटा ऑर्गेनिक को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8-9 मैकेनिज्म है जिसमें से एक आता ही आता है, S4 substitution and 4 nucleophilic 2-4 bimolecular, दो मॉलिक्यूल एक साथ होंगे इसके अंदर। अब इसमें देखो कैसे होता है, हेलो एल्केन लिया आपने, न्यूक्लियोफाइल आया दैट विल अटैक फ्रॉम द बैक ऑफ द कार्बन, दैट विल अटैक फ्रॉम द बैक ऑफ द कार्बन, देन व्हाट विल हैपन, देन कार्बन के साथ जो तीन है इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जो थ्री है हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दिस इज डॉटेड लाइन, दिस वन इज डॉटेड लाइन, दैट शोज दिस बॉन्ड इज गोइंग ऑन टू ब्रेक and it is going on to form. ये bond टूट रहा है, ये bond बन रहा है, इसलिए हम दोनों कैसे दिखाएं, dotted form. जब ये bond टूट जाता है और ये bond जुड़ जाता है फिर क्या हो जाता है, इसमें देखो ध्यान से, inversion of configuration. Halogen ion तो निकल गया, OH attach हो गया, पहले कैसे, जैसे आप बारिश में जा रहे हैं umbrella ऐसे पकड़ा हुआ आपने, बैंड है नीचे की तरफ, प्रोटेक्ट कर रहा है आपको रेन से, आंधी तूफान आया, जैसे न्यूक्लियोफाइल आया उसने अटैक किया, आंधी तूफान आया, वो अम्ब्रेला बाहर की तरफ खुल जाता है, उल्टा हो गया, देखो अम्ब्रेला बाहर की तरफ खुल गया, दैट इज इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या होता है इसमें, इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, उल्टा हो जाए। क्वेश्चन आता है यहाँ से बोर्ड एग्जाम्स में कि एक रिएक्शन दिखाई जा रही है जिसमें इन्वर्ट हो रहा है कॉन्फिगरेशन, इसमें पूछा जाता है कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, SN1 या SN2, that means SN2 जिसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बैक से होता है और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसमें सबसे पहले किस पे होगा, जीरो पे मिथाइल रेडिकल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ये प्राइमरी जल्दी करता है, सबसे लेट टर्शरी क्यों करता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस, क्या बोलते हैं इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस, जितने भी बल्कि एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे दे
हिंडर द अप्रोच ऑफ कमिंग न्यूक्लियोफाइल, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रोकेंगे, और रोकेंगे तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इसमें दो होंगे, इसमें एक है, तो इसमें कितने, थ्री है, थ्री ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं और वो अटैक ही नहीं हो रहे थे क्योंकि हम खड़े हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन देने वाले वो होने नहीं देंगे। दैट मीन्स बल्की ग्रुप अटैच टू द कार्बन हैविंग हैलोजन हिंडर द अप्रोच ऑफ कमिंग न्यूक्लियोफाइल, तो सबसे लेट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे जल्दी किसमें होगा, जीरो, देन वन टू थ्री। ओके स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो केयरफुली, थैंक यू स्टूडेंट्स।